नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है मॉडर्न क्लासेज में। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, वह एक अलग से कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा यह कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करता है। इसका नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखिए हम इसको चालू करेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या कि अनुपात पर आधारित प्रश्न जो है यह थोड़ा सा रिलेट अनुपात से भी करता है, इसलिए आपको अनुपात की जानकारी भी होनी जरूरी है। तो हालांकि हम इसमें कुछ ऐसे प्रश्न को लिए हैं जो कि ज़्यादा लाभ हानि से रिलेट करे, यानी प्रॉफिट लॉस से रिलेट करे, वैसे प्रश्न को लिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि लाभ हानि से तो रिलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस से रिलेट करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान यानी खिंचाव होता है वह अनुपात की तरफ होता है, वैसे प्रश्न को हम थोड़ा कम लिए हैं। लेकिन देखिए आज हम सीखते हैं इससे रिलेटेड। आपको आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, यह हमारा वादा है, गारंटी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट और कहेंगे, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ फायदा हो पाएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वह 5:6 है, फिर बोल रहा है क्या, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, आपको बताना क्या है कि उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का दे दिया है और सेलिंग प्राइस का, इन दोनों का अनुपात आपको दे दिया है। क्या दिया है भाई, आपको दिया है 5:6, उसके बाद 6 दे दिया है। अब देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। अनुपात से रिलेटेड थोड़ी सी बात आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी है और उसके बाद 3:4 दिया है, तो इसका अर्थ यह होता है कि जो ए है वह 3 को बता रहा है, जो बी है वो 4 को बता रहा है। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। देखिए तो हमारा इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वह 5:6 के अनुपात में है। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, यह 5 को बता रहा है, यह 6 को बता रहा है, यानी जिस वस्तु को हम 5 रुपए में खरीद कर हम 6 रुपए में सेलिंग करें तो कितना का लाभ होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ जो प्रॉफिट है वह क्या है भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमको पूछ क्या रहा है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपसे एक बात बता रहे हैं, इस बात को गांठ बांध लीजिए, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए, चाहे लॉस परसेंटेज निकाला जाए, उसको हम लोग निकालते हैं सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, अर्थात क्रय मूल्य पर निकालते हैं। यह किसी भी सवाल, दुनिया के कोई भी सवाल में जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, तब आप कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, जो लाभ हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए, तो हम लिखेंगे नीचे क्या, हम सीपी को लिखेंगे, सीपी हमारा क्या है भाई, 5 है, अब गुणा कर देंगे किस से, 100 से, बस 20 × 5 = 100 हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, 20% जो होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब अपना आंसर आप मिला लीजिए, शायद आपका राइट आंसर बी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। नहीं, पहले विक्रय मूल्य दिया है, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है हमसे, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के विषय में पूछ रहा है, इसका ही अनुपात पूछ रहा है। दिया है क्या हमको, दिया है बस कि कोई वस्तु को 5% लाभ पे बेचा जा रहा है। मान लीजिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं हम, कि मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो, हम 5% लाभ पर जब बेचेंगे तो क्या बेचेंगे भाई, हम 105 रुपए में बेचेंगे। बस ऐसे ही मानिए और डायरेक्ट आंसर ऐसे मान के डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। अब आपको बता देते हैं कि हम क्या माने इसको, सीपी माने इसको, क्या हुए एसपी। अब देखिए इसको हम यदि सही कर रहे हैं तो 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात देखा जाए तो 20:21 है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है भाई, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। तो जब हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है तो इसको हम उल्टा करेंगे ना, क्योंकि आगे वाला आगे को डिनोट करता है, पीछे वाले पीछे को डिनोट करता है, तो होगा हमारा क्या आंसर भाई, 21:20 होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। आप अपना आंसर मिलाइए, हाँ बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, क्या जो कह रहा है इस बात को सुनिएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है क्या है भाई, वह क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का क्या है, 8/5 गुना है।
तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए भाई, तो हम करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न को हम वैसे बता चुके हैं आपको पहले। देखिए एसपी बटा में क्या कर देंगे, सीपी कर देंगे, बराबर क्या करेंगे 8/5। यहां से क्या हमें पता चल रहा है कि एसपी जो है वह 8 है और जो सीपी है वह क्या है 5 है। यहां से देखिए आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ कितने का हो रहा है भाई, हमें 3 रुपए का हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब भी निकालना हो तो हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। इसका अर्थ है नीचे हम क्या लिखें, सीपी, सीपी हमारा क्या है 5 है। हम एसपी क्या लिखे, सॉरी ऊपर में प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट हमारा क्या है 3 है, ये क्या है प्रॉफिट ही है। अब आपको गुणा कर देंगे हम 100 से, परसेंटेज में आसानी से चेंज जाएगा। यहां से किए तो कितना हो गया 20 बार में 20 यानी 60, यानी 60% जो हुआ हमारा राइट आंसर हुआ। आप अपना ऑप्शन मिलाइए तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा 60%। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है वह क्या है 5:4 है, यानी 5:4 है। आप देखिए यहां देखिएगा तो आपको शो करेगा, यानी पहला वाला जो है क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वह 5 को बता रहा है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बता रहा है 4 को बता रहा है। इस बात को समझिएगा, इसका अर्थ है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ 5 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीद के 4 रुपया में उसे बेच रहे हैं, तो हमें क्या लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो क्यों नहीं लॉस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हम ज्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो हमें जो लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब 1 रुपये का लॉस हो रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी निकाला जाता है तो सीपी पे निकाला जाता है, जब तक वह प्रश्न में और कुछ न कहे। यदि कहता है कि आप विक्रय मूल्य पर निकालिए तो निकालना पड़ेगा, लेकिन न कहे तब हम सीपी पर ही निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको ऊपर लिखिए, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सीपी को नीचे लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लॉस लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। इस प्रकार से देखिए 20% आपका आंसर आ गया, यानी 20% का क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इस बात को समझिए, आपका ऑप्शन कौन सा है आप देख लीजिए, उसको मिला लीजिए कौन सा आंसर सही है। हाँ, आपका पहला आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों आपको एक बात और बता देते हैं कि हम अनुपात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को बताए नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि लाभ हानि से भी रिलेटेड हैं, यानी प्रॉफिट लॉस से, प्लस में आपका अनुपात से भी रिलेटेड है, और वह क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो जटिल जो क्वेश्चन है उसको हम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वह हम जब अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अनुपात पढ़ेंगे तो लाभ हानि पढ़ चुके होंगे और दोनों को कॉन्सेप्ट को हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो जटिल सवाल को भी बना पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा ही सवाल लिए हैं और जटिल सवाल नहीं लिए हैं। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, साथ ही साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।